हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कशन की है। भले हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेसिक लेक्चर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्यों होता है, किस लिए यूज करते हैं, दो वायर पैरेलल रहे सेम करंट फ्लो तो अट्रैक्ट क्यों होता है, दो वायर एक दूसरे को वायर अट्रैक्ट क्यों करते हैं, या दो वायर पैरेलल हो और एंटी पैरेलल करंट फ्लो हो तो रिपेल क्यों करता है, सभी चीज़ें, मैग्नेटिक फोर्स क्या, लॉरेंस फोर्स क्या है, सभी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कशन करने की कोशिश की है। साथ में बच्चों साइक्लोट्रॉन का मोशन सर्कुलर पाथ में क्यों पार्टिकल मोशन करता है, सभी चीजें मैंने डिस्कशन की। बच्चों इसी का अगला पार्ट जो है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट क्यों करता है, एक्सेलरेशन क्यों करता है, उसके ऊपर। एक्चुअल में इसकी हेडिंग सीधी सीधी लिखता हूं मैं, साइक्लोट्रॉन है ना, साइक्लोट्रॉन द सिंपल। एक्चुअली एक्सेलरेशन कैसे होता है, क्या होता है, इसके ऊपर ही डिस्कशन करने वाले बच्चों। ये जो साइक्लोट्रॉन है बच्चों एक मशीन है, मशीन 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 है भैया, है ना, और इसका यूज करेंगे बच्चों हम, है ना, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का, वेरी हाई एनर्जी या वेरी हाई स्पीड। अरे एनर्जी मतलब ही स्पीड होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी, बताऊंगा। देखो एक मशीन है, इसका यूज करेंगे बच्चों चार्ज पार्टिकल को, है ना, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, जो कि हमारा हेडिंग है बच्चों, जो एक्सेलरेट करना चाहते हैं हम लोग, एक्सेलरेट करना चाहते हैं, है ना, कैसे, वेरी हाई एनर्जी से, और वो भी बच्चों मेगा इलेक्ट्रॉन होल्ड और गीगा इलेक्ट्रॉन होल्ड आपकी बुक्स में दिया है बच्चों। हम किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी से, बहुत ज्यादा मतलब कितना, मेगा इलेक्ट्रॉन टू गीगा, टेरा नहीं। आपने टीबी कार्ड भी देखा होगा आजकल, नहीं क्या, मेमोरी कार्ड आ रहा है टीबी में, हार्ड डिस्क आ रही है ना टीबी, टेराबाइट। मेगा मतलब 10^6 बच्चों, ध्यान रखना है, गीगा मतलब 10^9, टेरा मतलब 10^12, पता होना चाहिए, है ना, किलो मतलब ये होता है, पता ना, हेक्टो, सभी पता होना चाहिए। तो ये पावर पता होना चाहिए आपको, इसका मतलब इतने जीरो, वन के ऊपर इतने जीरो, 10^9 मतलब 90, 6 मतलब 60। तो बच्चों एक मशीन है ऐसे, एक साइक्लोट्रॉन नाम की, उसका काम होता है कोई चार्ज पार्टिकल को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी से एक्सेलरेट करना, मतलब उसकी, कभी कभी कुछ लोग लिखते हैं यहाँ पे वेरी हाई स्पीड लिखते हैं, इसके जगह पे वेरी हाई वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, स्पीड बोला तो अच्छा रहेगा बोलना सर, हाँ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका काम यही बच्चों, मेन काम है कि इस मशीन है, इस मशीन का काम चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करना। अब बोलेंगे स्पीड, ये क्यों दोनों वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि बच्चों काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी इस्तेमाल कर रहे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो ये एनर्जी है। किसी ने बोला स्पीड, तो स्पीड भी बच्चों वी है ना, तो दोनों भी वर्ड सेम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही बच्चों। फिर ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसका यूजेस क्या बच्चों, यूज क्या है, मतलब क्यों करना है हम लोगों को, यूजेस बताना है। सबसे पहले बच्चों मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि ट्यूमर ग्यूमर होता है, पता है ना, तो ट्यूमर के टाइम पे, आप लोग अभी तो मेडिकल में नहीं गए इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, ट्यूमर या अदर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज होता है सबसे मेन। नंबर दो बच्चों बोलूंगा मैं आप लोगों को कि यहां पे हम लोग काम कर सकते टू स्टडी, देखो टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन, क्यों 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 बच्चों बताता हूं, टेंशन मत लेना बच्चों। क्या करता है कि अगर किसी की केमिकल इंबैलेंस करना है, केमिकल बैलेंस करना है कुछ चीज को, कोई चार्ज पार्टिकल को नहीं क्या अंदर डाल देते, फिर अंदर डालना है तो ये ले लो सर डाल दिया, ऐसे तो नहीं करेंगे बच्चों, उस पार्टिकल को चीर के अंदर जाना पड़ता है, जूम जूम वेरी हाई एनर्जी से जाना पड़ेगा, मतलब किसी की रिएक्शन चेंज करना है। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे और फेवरेट भी सब्जेक्ट होगा, सर नहीं केमिस्ट्री छोड़ के बोलो, ठीक है, फिजिक्स भी अच्छा आता नहीं है, फिर क्या आता है, तो कुछ नहीं बच्चों,
किसी की रिएक्शन चेंज करना मतलब कई पार्टिकल को हमको अंदर ढकेलना पड़ेगा, तो इजीली ऐसे डाल नहीं सकते, ये ले लो डाल दिया सर खत्म, नहीं, उसको अंदर डालना है। मतलब बच्चों कोई एटम्स होंगे, एटम्स में न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों जब कोई पार्टिकल अंदर जा रहा है तो यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस लगते हैं, है ना। तो ये इजी किसी को अंदर नहीं जाने देता है, कोई पार्टिकल को, ये एटम्स किसी को न्यूक्लियस के अंदर भी नहीं जाने देता, तो इतने जोर से जाना पड़ेगा इस न्यूक्लियर के पास, जितनी एनर्जी उससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए तब हम लोग अंदर जाते हैं। किसी वॉल को तोड़ना है बच्चों, जूम, तो क्या मैं ऐसे मारने से टूटेगी? नहीं, जोर से तोड़ना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी से तोड़ना, बुलडोजर लाना पड़ेगा वॉल को तोड़ने के लिए। वैसे इस न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर किसी चीज को जाना है तो वेरी हाई एनर्जी से जाना पड़ेगा, और ये हाई एनर्जी तैयार करने वाली मशीन है बच्चों, मशीन। चलो ओके, कोई टेंशन नहीं सर, दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारे पास, टू इंसर्ट आयन इन सॉलिड, है ना, टू इंसर्ट आयन इन सॉलिड, किसी सॉलिड के अंदर भी घुसना है तो भी एनर्जी ज्यादा, सेम जैसी चीज है। और जो चौथा जो यूज है बच्चों हमारे पास, रेडियोएक्टिविटी डीके, है ना, रेडियो एक्टिव डीके समझते बच्चों, तोड़ना, किसी को तोड़ना है तो भी एनर्जी ज्यादा लगेगी, है ना, यूज टू स्टार्ट द रेडियो एक्टिविटी डीके। हम लोग ने क्या बच्चों, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई नाम का एक चैप्टर था, अभी अलग हो गया वो, ठीक है, लेकिन है हम लोगों को। रेडियो एक्टिविटी डीके मतलब क्या है, इमिशन होते हैं पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल इमिट होना, आपने भी नाम सुना होगा केमिस्ट्री में। तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो यूज और भी है बच्चों, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से इतने ही पढ़ना चाहिए एज पर माय व्यू। अब लोग बोलेंगे सर नेट पे जाओगे सर्च करोगे यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन तो आपको तो बहुत सारे मिलेंगे, सर आपने तो इतने पढ़ा है, क्योंकि बच्चा हम लोग छोटे 12th में अभी, इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट ट्यूमर ग्यूमर के लिए बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन, वैसे इंसर्ट आयंस किसी को सॉलिड में करना है, तो रेडियोएक्टिविटी डीके, ये ऐसे यूज हम लोग इस साइक्लोट्रॉन के पढ़ने वाले। मैं आगे बढ़ने वाला बच्चों, देखो यहाँ पे सबसे मेन हम लोगों को यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, एक वर्ड है बच्चों, हाई एनर्जी हाई स्पीड, इस वर्ड को मत भूलना, दुआओं में याद रखना बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए याद तो रखना ही पड़ेगा बोलना सर। तो चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी, कि इसको साइक्लोट्रॉन को कैसे बनाया जाए और क्या क्या करना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य यह है बच्चों, यहां पे साइक्लोट्रॉन एक ऐसी एक मशीन है कि जिससे हम कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाहते, हाई एनर्जी देना चाहते, हाई स्पीड देना, स्पीड देना मतलब एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन तो पता है ना सबको, है ना, वेलोसिटी पता है ना, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है सर। सर कहना क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं बच्चों कि मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड इंक्रीज करना। आई विल रिपीट बच्चों, मैं ये काम करना चाहता हूं, मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड को हाई करना, एनर्जी को हाई करना चाहता हूं। तो बच्चों मेरा इसलिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखना बहुत क्यों जरूरी है। देखो आपको है ना, मैग्नेटिक फील्ड ओनली एंड ओनली कोई चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर सकती, स्पीड कॉन्स्टेंट होती है। मैंने कल भी आपको मेरे वीडियो में बताया था, क्या मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है कोई चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है, और स्पीड को इंक्रीज करना, यह काम होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का। बताता हूं, टेंशन मत लेना, दोनों वर्सेस में बताऊंगा आपके लिए, मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। देखो बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, थोड़ा थ्योरेटिकली के लिए बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आज के लेक्चर को। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है बच्चों, और हमारे पढ़ाई वाला चैनल है उस प्लेटफॉर्म पे जाके बच्चों सब्सक्राइब करो, क्योंकि उस पे सभी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, तो भी आज बता रहा हूं थोड़ा शॉर्टकट में, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, कोई चार्ज रखा यहां पे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू इंटू ये, पता है बच्चों आपको, मतलब इसको फोर्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है, और इसकी स्पीड भी बढ़ा सकता हूं फिर। अरे फोर्स में तो होता है ना, पता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना, किसी का एक्सेलरेशन चेंज कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो एफ की वैल्यू है क्यू बाई एम, बात तो समझ में आ रही है ना, मतलब किसी का एक्सेलरेशन करना है तो बच्चों हम लोगों को यहां पे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड
उतनी इसकी स्पीड बढ़ेगी बच्चों एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन चेंज होना मतलब स्पीड बढ़ना, और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है। मतलब बच्चों अगर आप लोगों को किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतना मेरा एक्सेलरेशन होता है भैया, इस बात से समझ में आ रहा है। जितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा, ये काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। रही बात बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कल ही मैंने देखा था आप लोगों को, ऐसे शॉर्टकट में बताऊंगा। देखो ये चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, आपको राइट हैंड पाम लू मैंने कल ही बताया था। देखो ये चार उंगली अंदर डालो, क्यों ये फील्ड बच्चों देखो क्रॉस वाली है, शक्तिमान इनवर्ड, एंड डॉट वाली जो है बच्चों ये है इनवर्ड। अरे या आउटवर्ड है ना, या क्या गड़बड़ हो रही है आजकल। चलो मुझे बताओ क्रॉस मतलब अंदर, ये उंगली अंदर डालो, वेलोसिटी स्पीड देखो ये है ठीक है, तो ये तो फोर्स इधर लग रहा है, हाँ फोर्स इधर है सर, तो पार्टिकल ऐसा जाएगा ऐसा है। इसका रिजल्टेंट ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये स्पीड है, तो इसका डायरेक्शन ये मिलेगा नेट फोर्स ऐसे लग के बच्चों यहाँ पे ऐसे करते हुए ऐसे जाती है चीजें, पता लग रही है ना। ये फोर्स यहाँ चार्ज आएगा तो फोर्स इधर, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ध्यान रखना बच्चों राइट हैंड पाम लोड, मैग्नेटिक फील्ड ये चार उंगली डाल देना अंदर, जो स्पीड है यहाँ पे फोर्स इधर, यहाँ पे चार्ज आ गया, यहाँ दोबारा वही कंडीशन ही है, सभी फोर्स अंदर, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लगा। मतलब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है अगर बी एंड वी परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर, कौन सी सर्कुलर पाथ में मूव करना किसको बच्चों, चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को मूव करने का काम है। मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों, मैं ये बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, ओके सर, अगर कोई चार्ज पार्टिकल की स्पीड और मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो तो बच्चों 100% हमारा चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव होता है। मतलब एक बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है बच्चों एक्सेलरेट करना, इसकी स्पीड बनाना चार्ज की, और इसका काम होता है सर्कुलेशन करना, सर्कुलर पाथ मूव करना, कोई चार्ज पार्टिकल का ये काम है। रही बात, चलो स्पीड तो बढ़ गई, ये तो बहुत काम की चीज है, मतलब स्पीड इसका तो कोई काम ही नहीं है ऐसा लोगों को लग रहा है। नहीं बच्चों, मैं आपको धीमे धीमे हर चीज को एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। अब देखो अगर इसका काम स्पीड बढ़ाना है, इसमें कोई ड्रॉबैक है बच्चों, ड्रॉबैक क्या है, अगर स्पीड बढ़ाना है तो ये आपको दो प्लेट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव प्लेट होती है, यहां पर वी पोटेंशियल, यहां पर जीरो पोटेंशियल है, एक कंसिडर कर रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से निगेटिव, पता है ना, ये चीजें धीमे धीमे समझ लोगे, पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और समझा दूंगा बच्चों, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये बच्चों कि यहां पे अगर समझ लो तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब बच्चों किसी चार्ज पार्टिकल की अगर स्पीड बढ़ानी है तो इसमें ज्यादा टाइम तक, देखो ना ज्यादा टाइम तक, ये टाइम दिख रहा है वी टी के ऊपर डिपेंड है, जितने ज्यादा टाइम ये चार्ज पार्टिकल इस मटेरियल में रहेगा उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं। या दूसरा इक्वेशन या काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ चुके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, मतलब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगी तो ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, मतलब ज्यादा दूर पार्टिकल भागेगा, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ती रहती है। अरे बाप रे, लेकिन बच्चों इसकी एक खासियत है, क्या खासियत है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला V बाय डी एक और एक फार्मूला देखा, मतलब बच्चों ये डिस्टेंस अगर बढ़ता है, ये डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब D बढ़ेगा तो ये कम हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो एक्सेलरेशन कम होगा। फिर दोबारा आई विल रिपीट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का V बाय डी फार्मूला है बच्चों। मैंने क्या बोला, ये ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो स्पीड ज्यादा बढ़ सकती है, सही है, इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है, ये आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है ना, मोशन इन वन प्लेट टू प्लेट
पढ़ा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये बच्चों, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, या टाइम ज्यादा रहेगा, दोनों बोलो, ज्यादा डिस्टेंस बोलो या ज्यादा टाइम बोलो, ज्यादा टाइम रखा तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, ये इसका ड्रॉबैक है। एक काम करेंगे यार, ये कम, जितनी कम प्लेट के बीच में डिस्टेंस रहेगा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा, ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा एक्सेलरेशन, मैंने काम कर दिया, उसको कम रख दिया, देखो ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं रखा, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये वी पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल बोल, डिस्टेंस कम कर दिया। मैंने बोला यार इस चार्ज को अगर मैं ज्यादा डिस्टेंस चलाना, ज्यादा टाइम तक रखना है तो ऐसे 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 करके रखा तो देखो ज्यादा दूर चलेगा, जितना ज्यादा चलेगा उतनी स्पीड इंक्रीज होगी। ओए ऐसी बात है, मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का काम है उसकी स्पीड इंक्रीज करना, हो गया। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा प्लेट दूर दूर रखूं, एक यहां और एक यहां रखूं, तो बच्चों ये प्रॉब्लम सारी है, ये फार्मूला प्रॉब्लम कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम, ये कम तो एक्सेलरेशन कम। मैंने बोला एक काम करेंगे यार, कम जगह में रखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इस्तेमाल करता तो डिस्टेंस ज्यादा तो ये प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। मैंने बोला कम जगह में ज्यादा टाइम तक रखेंगे चार्ज को, या ज्यादा डिस्टेंस घुमाएंगे उसको, एक आइडिया कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इसके लिए काम करना पड़ेगी, साथ में डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस्तेमाल करनी है मुझे, और साथ में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी इस्तेमाल करके दोनों को इकट्ठा करके एक ऐसा कुछ मशीन बनाएंगे, जिस मशीन का नाम रखेंगे हम साइक्लोट्रॉन। मतलब हम लोग तैयार कर रहे हैं मशीन बच्चों, ध्यान देना है, आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं, ये आपका बेसिक नॉलेज है बच्चों ओनली, अब साइक्लोट्रॉन की कहानी चालू होने वाली है। तो चलो बच्चों हम लोग साइक्लोट्रॉन की कहानी की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ाने के लिए काम आती है, ठीक है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, देखो मैं लिख रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को इंक्रीज करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, और मैग्नेटिक फील्ड का काम होगा डायरेक्शन चेंज करना। मेरे ख्याल से समझ में आ जाता होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को इंक्रीज करने का काम आता है, मैंने शॉर्टकट में लिखा, समझ लो, क्योंकि आपको पता है लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। चलो तो मैं आगे बैठ रहा हूं बच्चों, तो ऐसे ही कुछ तैयार करने जा रहे हैं मशीन। तो मैंने बोला एक काम करेंगे, पार्टिकल के वही की वही घुमाना है एक जगह पे, मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों के पास ये डी कम करना है, दो प्लेट के बीच में का डिस्टेंस। तो मैंने काम कर दिया भैया, ये देखो ये प्लेट रखी, ये दो डी शेप लिए, एक ये और दूसरा ये, ठीक है बच्चों। आपके बुक्स में थोड़ा कलर डायग्राम है, मैं इतना कलरफुल डायग्राम तो नहीं निकाल रहा हूं। यहां पे एक सोर्स है बच्चों, आयनाइजेशन गैस के कारण कोई चार्ज पार्टिकल इमिट होता होगा, और यहां पे चलो एक इसमें ये डायग्राम रख रहे हैं, ठीक है। और बच्चों इसमें गैस गीस होता है, नहीं होता है, वैक्यूम होता है, ये बात आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगी, ओके सर। ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है बच्चों, इसका काम होता है बच्चों, मेरे ख्याल से ये जो फ्रीक्वेंसी है जनरेटर, ये बच्चों 10 मेगा हर्ट्ज, मतलब बच्चों एक सेकंड में 10 मेगा हर्ट्ज टाइम ये चेंज करता है अपना, ये पॉजिटिव निगेटिव ऑक्सुलेशन करता है, ऑक्सुलेटर बोलते हैं उसको, नाम भी देते बच्चों कुछ, ऑक्सुलेटर, जूम 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 जूम। बच्चों इसको पता है ना, 10 × 10⁶, मतलब आपको 1 करोड़ टाइम्स ये चेंज होता है। देखो अगर ये 6 जीरो देगी तो 1 करोड़ होता है, पता है ना आप लोगों को, तो 1 करोड़ टाइम्स चेंज होता है बच्चों, मतलब ये कितना फास्ट होता होगा सोच लो। और यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है ना बच्चों, वो होता है जो यूज कर रहे 10,000 वोल्ट। ये हो गया दो डी शेप पे बच्चों, नाम दो इसको, D1 बोलो इसको, आपकी मर्जी, किसको भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे बच्चों डिटेक्टर जैसी चीज लगानी है, और यहाँ से हमारा चार्ज पार्टिकल बाहर आना चाहिए, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करने के लिए, अच्छी बात है सर। बच्चों इसके अंदर है ना मैग्नेटिक फील्ड है,
अब मैं नहीं दिखा सकता हूं यहां पे, इसका मतलब डॉट का मतलब एक्चुअली बच्चों ये आउटवर्ड निकल रही है। मैं बताऊंगा, दो मैग्नेट रखे, एक नीचे से एक ऊपर से। नीचे वाला नॉर्थ, नीचे वाला जो मैग्नेट है बच्चों ऐसे नॉर्थ है बच्चों हमारे पास, और जो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला जो है ना वो साउथ है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये नॉर्थ है आपके लिए, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट होती है, साउथ पे एंड होती है, पता है ना? तो नॉर्थ टू साउथ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे। और यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, वो दी वाली 1.5 टेस्ला। टेस्ला एक बहुत बड़ा यूनिट है, मैंने कल बोला था 1 टेस्ला होता है 10^4 गॉस, पता है ना? तो ये पता होना चाहिए 1.5 टी मतलब टेस्ला, इतनी मैग्नेटिक फील्ड ये बच्चों। बात समझ में आ रही है? ये क्यों लगा रहे मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि बच्चों इससे जो सोर्स से जो चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, वो चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करने का काम करने वाला है। ये एसी क्यों लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दी वाली है हाई फ्रीक्वेंसी से? क्योंकि इसका काम होता है स्पीड को इंक्रीज करना। दो चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रहा हूं बच्चों ये एसी, एसी पता है ना आप लोगों को, एसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी वाली है, इसका काम होता है इस चार्ज पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज करना, हाई एनर्जी गेन करने का काम, मतलब हाई एनर्जी देने का काम करेगा। और इन मैग्नेट के, दो मैग्नेट का काम है बच्चों डायरेक्शन चेंज करना। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहां पे मशीन चालू कर दी, ये जो चार्ज पार्टिकल जूम अंदर जाएगा जोर से, क्योंकि बच्चों सोच लो इतना वोल्टेज और इतना फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं मैं, तो ये जोर से जाने वाला है। इस सोर्स से कोई पार्टिकल बाहर इमिट हो रहा है, जूम यहां होगा इधर, अच्छी बात है सर। क्यों होगा समझो, समझो मैंने ये जो क्यू चार्ज है बच्चों उसको पॉजिटिव चार्ज माना, ध्यान देना है बच्चों, मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया। जैसे पॉजिटिव चार्ज देने के कारण यहां पे जो चार्ज होगा, ऐसे कंसिडर करो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होगा, देखो रिपेल जूम, और ये भी अट्रैक्ट करेगा। जैसे अंदर आएगा बच्चों, ये जो है ना ये हेलो मेटालिक ऐसे है, और ये वैक्यूम होना चाहिए बच्चों, इसमें कोई गैस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है बच्चों, मैं थ्योरेटिकली हर चीज बोल रहा हूं आपके बुक्स में दी वाली। दूसरी बात बच्चों, ये जो है ये सबसे पहले यहां पे जो दिया वाला है ये हेलो मेटालिक है, इसके अंदर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। इसके अंदर ये डी शेप के अंदर जब भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर जीरो, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, समझ में आएगी बच्चों, अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्यू जीरो होती है, ठीक है? अभी समझ लो कि ई जीरो है। अब ई जीरो हो गया, ई जीरो हो गया बच्चों, मतलब इसकी स्पीड कम हो गई, स्पीड बढ़ाने का काम यही हो गया बच्चों, ये बीच में जो गैप दिख रहा है ना दो डी शेप के अंदर, यहां पे उसका काम था बच्चों। क्या हो रहा है, जैसे अंदर गया स्पीड कांस्टेंट हो गई, देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाद में होगी, स्पीड यहां पे जो हो रही है वो है कांस्टेंट आप इस चार्ज की। लेकिन बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है बच्चों इसका डायरेक्शन चेंज करना। वैसे डायरेक्शन स्पीड, देखो स्पीड में ज्यादा रहता तो अंदर घुसता था, बहुत ज्यादा स्पीड रही थी तो इस डी शेप में अंदर ऐसे जूम अंदर जाता, यहां पे स्पीड बढ़ गई बच्चों, यहां से यहां तक बढ़ेगी, लेकिन अंदर जाने के बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट रही। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो दी वाली है या इलेक्ट्रिक फील्ड जी वाली है वो जीरो है भैया, और ये जीरो होने के कारण बस स्पीड कांस्टेंट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है अंदर से, अंदर से देखो ऐसे नीचे से आ रही, जैसे कि मेरा हाथ है यहां से नीचे से आ रही, और हमने तो देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है डायरेक्शन चेंज करना, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा ऐसे, समझे? तो डायरेक्शन चेंज होगा बच्चों, जूम आ गई यहां, जैसे आएगी बच्चों तुरंत ये ऑक्सीलेटर है, तुरंत यहां पे माइनस का होगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देखो ये चेंज कर रहा है, ठीक है? जैसे ही ये चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है, जैसे ही चेंज होगा वैसे बच्चों यहां पे आने के बाद इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये अंदर आने के बाद दोबारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो, ये जो डी वन में दोबारा बच्चों ये यहां, अब यहां पे आके ऐसे मीट नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी स्पीड दो जगह पे बदली है, एक यहां पे और एक नीचे, स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज हुई तो क्या होता है बच्चों, आप लोगों को मैं थोड़ा सा इक्वेशन की तरफ लेके जा रहा हूं। यहां पे आपको पता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और एक सेंट्रिपिटल फोर्स है। क्यों? कल ही मैंने आपको बताया था साइक्लोट्रॉन मोशन में कि यहां पे बच्चों चार्ज, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है गोल घुमाने के लिए, और जो चीज गोल घूमती है उसको सेंट्रिपिटल फोर्स बोला था। तो इसका फॉर्मूला क्यू वी बी है और इसका एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर है। मैंने वी से वी को मार दिया,
तो बच्चों आपको समझ में आ गया क्यू बी इज इक्वल टू यम ही बाय आर, आर निकालना है तो यम ही बाय क्यू बी। इससे ये पता लग रहा है कि वी चेंज हो रही है मतलब रेडियस भी चेंज होगा, तो ये कंप्लीट नहीं होगा भैया, थोड़ा सा लगा के ऐसे थोड़ा, मतलब देखो साइकिल तो कंप्लीट हो रही है लेकिन इसको यहां पे नहीं आएगा, थोड़ा यहां आएगा बस। मैं दोबारा स्पीड चेंज होगी बच्चों, दोबारा यहां आएगा, दोबारा स्पीड हो रही है, दोबारा दोबारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होना अंदर गए, बाद में डायरेक्शन चेंज। बच्चों इसमें नियर अबाउटली ऐसे करते 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 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के पास आते 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 यहां पे आने के बाद जूम, ये होगा एग्जिस्ट चार्ज। लेकिन जो चार्ज एग्जिस्ट हो रहा है बच्चों उसका क्या हो रहा है, जैसे रेडियस बढ़ रही वैसे स्पीड बढ़ रही है, मुझे स्पीड ही बढ़ाना है, उसकी एनर्जी ही बढ़ानी है, एनर्जी बढ़ाने से स्पीड बढ़ाने से यहां पे हमारा काम हो जाएगा एक्सेलरेशन करने का। एक बात भूल गया था बच्चों, यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या 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 बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसको क्रॉस फील्ड कहा जाता है, एक वर्ड है। क्यों बच्चों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ऐसे, देखो ऊपर आ रही है ऊपर, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल अगर आपके तरफ रहा तो ये फील्ड ऐसे जाएगा, नॉर्थ टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड जाती है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी है, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्रॉस फील्ड ऐसा नाम दे सकते हैं वहां पे, एक ये बहुत क्रॉस ईडी लगाता हूं क्रॉस फील्ड, ठीक है, इसका नाम दिया है, क्यों दिया है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन है भैया। क्या क्या हो रहा है आई विल रिपीट बच्चों, यहां पे ये जो ना ये चेंज हो रहे वाला हमेशा, और एक सेकंड में कितने टाइम्स होते हैं, मैंने बोला था 1 करोड़ टाइम। तो बच्चों ये सर्कल भी है ना छोटे छोटे ऐसे जो बन रहे हैं, ये 1 करोड़ टाइम बनते हैं बच्चों, क्योंकि ये चेंज होता है जूम 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 जूम, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, हर भगवान इतने टाइम होता है, क्योंकि ये चार्ज आ गया बच्चों यहाँ पे, तुरंत ये चेंज करता है, जूम खींच लेता है, इधर वाला ढकेलता है, बात समझ में आ रही है ना। मतलब बच्चों ऐसे करते करते इसकी स्पीड बड़ा बड़ा के ऐसे 1 करोड़ सर्कल होंगे, कितने छोटे सर्कल होते होंगे सोच लो बच्चों, और ऐसे करते 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 जब ये इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की तरफ आता है, इसका सर्कल, इस चार्ज पार्टिकल का सर्कल, तब बच्चों यहां से जूम बाहर एग्जिस्ट होता है, और आपको पता है रेडियस, देखो इसका रेडियस इतना छोटा है, इसकी स्पीड भी छोटी होगी बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस बढ़ गया बच्चों स्पीड बढ़ गई, और रेडियस बढ़ गया स्पीड बढ़ गया, और रेडियस बढ़ गया स्पीड बढ़ गया, और बढ़ गया और बढ़ गया, लास्ट वाला जो सबसे बड़े रेडियस वाला होगा, ये सबसे बड़े रेडियस वाला होगा, तब सबसे ज्यादा स्पीड होगी, सबसे ज्यादा वो चार्ज हमारा एक्सेलरेट होता है और ऐसे जूम करके एग्जिस्ट होता है, वही चार्ज हम लोगों को काम आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इतने स्पीड से अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन से अगर चार्ज अंदर जाता है तो न्यूक्लियस में जा सकता है, टकरा सकता है, वहां पे सॉलिड में भी अंदर फेंक सकते हैं हम लोग, बहुत सारे यूजेस मैंने आपको बताया, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये मशीन हमने ये दो चीज से बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इसकी स्पीड कहां बढ़ती है, ओनली यहां दो डी शेप के बीच में, ओनली यहां देखो यहीं स्पीड बढ़ती, यहीं ये स्पीड और यहां आने के बाद ये स्पीड, यहां तो कांस्टेंट स्पीड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये इसलिए काम कर रहे हैं हम लोग कि यहां पे बच्चों डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जो चार्ज पार्टिकल उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, स्पीड यहीं बढ़ रही है ओनली बस, और स्पीड बढ़ने से बच्चों ये जो है ये सर्कल नहीं क्या ऐसे मीट, मतलब गोल होके वापिस वहीं नहीं आ रहा है, मतलब यहां से निकल गया तो यहां ऐसे मीट होना चाहिए था, हम लोग मीट ना करते हुए स्पीड बढ़ने से थोड़ा सा ऊपर ले रहे बाद में, और नहीं तो ये तो सर्कल कंप्लीट ही हो जाता, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए कर रहे थे। मतलब बच्चों किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो होती है कि डिस्टेंस बढ़ने से एक्सेलरेशन कम होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए बच्चों हम लोगों को यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस्तेमाल करते हुए बच्चों हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस पाथ को सर्कुलर पाथ तो नहीं बोल सकते, सर्कुलर पाथ मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, तो ये पाथ चेंज हो रही है उसको कहा जाता है बच्चों स्पाइरल पाथ,
कौन सी पाथ है बच्चों, ये जो पाथ है ऐसे जुम 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 एक करोड़ टाइम बच्चों सर्कल हो रहे तो जुम बाहर आ रहा है, तो इस पाथ को हम स्पाइरल पाथ कहेंगे। क्या कह रहे बच्चों, स्पाइरल पाथ। मुझे पता है बहुत गंदा हो रहा है लेकिन एडजस्ट करना है बच्चों आपको। उसके बाद में बच्चों हम लोग अब ये जो सर्कुलर पाथ में, जैसे कि हम लोगों को पता है कि दो डी शेप है और इस डी शेप में जो हमारा चार्ज है वो जा रहा है ऐसे, तो इसका पीरियड निकालना है। ठीक है, टी क्या होगा निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं। आपको पता है बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम निकाली थी, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा था, ये चार्ज को स्पीड ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, याद है बच्चों? देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, राइट हैंड पाम रूल, स्पीड इधर है, फोर्स इधर है, ये देखो ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इसके कारण ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव होता है। मैंने बहुत बार बोला ये मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ पे चार्ज रहा तो ये इसकी स्पीड है बच्चों, इसका मैग्नेटिक फोर्स है। अच्छी बात है, मतलब बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और जो सर्कुलर मोशन होता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स नाम का चैप्टर। इसका फार्मूला क्यू वी बी और इसके लिए एम वी स्क्वायर बाय आर, वी से वी को मार दो बच्चों, ठीक है, तो आर रेडियस का भी फार्मूला मिल रहा है, ये एम वी बाकी है, ये क्यू बी अभी निकाल के दिया था मैंने। ओके सर, कोई टेंशन नहीं, मुझे पीरियड का मतलब क्या है बता दो कोई टेंशन नहीं। देखो बच्चों आपके बुक्स में है ना एम वी इज इक्वल टू दिया आपको, मैं रोकूंगा नहीं, क्यू बी आर दोनों का मतलब एक ही बच्चों, बस मैंने आर का फार्मूला निकाला बुक्स में, ये निकाला। मुझे बता बच्चों पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है बच्चों सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नहीं डिवाइडेड बाय स्पीड या वी का फार्मूला, एक्चुअल में वी का फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे टाइम होता है एक कंप्लीट रोल, तो टाइम हो गया बच्चों ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय वी, ये एक्चुअल में ये फार्मूला है। स्पीड का फार्मूला है अगर कोई पार्टिकल सर्कमफेरेंस मतलब डिस्टेंस मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम के लिए फार्मूला। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पूरा सर्कल घूमना उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ट्वाइस पर डिवाइडेड बाय वी। आर की वैल्यू पुट अप करो, वी की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं आप जैसे चाहो वैसे करा वा सकते हो, कोई टेंशन नहीं मेरे पे। तो देखो ट्वाइस पाई आर की वैल्यू मेरे पास एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक है ना, डिवाइड बाय वी एज इट इज। देखो बच्चों ट्वाइस पाई आर की वैल्यू एम वी बाय क्यू बी वी एज इट इज, वी से वी को मार दो तो पीरियड मिल रहा है ट्वाइस पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये मेरे पास एक कंप्लीट, ये जो कर रहा ना कंप्लीट, ये चार्ज पार्टिकल कंप्लीट रिवॉल्यूशन। आप बोलेंगे सर थोड़ा कंप्लीट नहीं है, हाँ मान लो क्योंकि बच्चों ये इतना नजदीक होता है ना इस चीज से, यहां से जाके बिल्कुल बच्चों ऐसे ऐसे लगेगा मीट हो रहा है, नहीं थोड़ा ऊपर जाके भी जाता है फिर, मतलब पीरियड मिलेगा ट्वाइस पाई एम बाई क्यू बी, ना रेडियस के ऊपर डिपेंड है, ना इसके रेडियस के ऊपर, ये जो सर्कल था लास्ट का, ना इसके रेडियस के ऊपर डिपेंड है ना उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड है बच्चों, ये डिपेंड करता है चार्ज बी एम इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये जो पीरियड है कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है हमारा जो चार्ज पार्टिकल उसका पीरियड, ना तो रेडियस के ऊपर, बच्चों रेडियस बढ़ गई वी भी बढ़ता है, इसलिए इनके परिणाम नहीं होता है बच्चों, पीरियड के ऊपर परिणाम होता है, मतलब इसको अगर इसका स्पीड कम होगी रेडियस कम है तो ये अगर 5 सेकंड में उसका पीरियड कंप्लीट कर रहा तो ये भी सर्कल बच्चों 5 ही सेकंड में कंप्लीट करेगा, ये मत समझो कि छोटा सर्कल है तो कम पीरियड लगेगा एक रिवॉल्यूशन होने के लिए, नहीं नहीं, इस नंबर ए वाले को और बी वाला जो भी है ए और बी, ए का पीरियड और बी का पीरियड बच्चों दोनों का 5 ही सेकंड है, क्योंकि बच्चों रेडियस बढ़ गया तो स्पीड बढ़ती है, तो सेम हो रहा है ना, रेडियस बढ़ गया तो स्पीड बढ़ रही है, मतलब सर्कल बढ़ा दो तो स्पीड बढ़ा के उतने ही टाइम में कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये है बच्चों छोटा सर्कल तो इसका रेडियस कम है तो स्पीड कम है, मतलब यहां पे रेडियस है समझो 1 मीटर तो इसकी जो स्पीड है बच्चों तो यहां पे 2 मीटर पर सेकंड है, अंदाज बोल रहा हूं बच्चों, यहां पे किसी ने कहा मुझे 2 मीटर है
रेडियस। तो स्पीड बच्चों 4 मीटर पर सेकंड बढ़ रही, लेकिन दोनों का टाइम सेम लग रहा है, टाइम तो दोनों का सेम लगेगा। मतलब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए, इसके लिए अगर 5 सेकंड लगते हैं तो इसके लिए भी 5 ही सेकंड लगेंगे। ये बात ध्यान में आ रही है इस फार्मूले से। मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, बहुत इजी और हल्की सी कहानी है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी होती बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड इस चार्ज पार्टिकल की। तो मैंने बोला यार फार्मूला तैयार, इसको उल्टा करो क्योंकि ये डिवाइडेड है, तो क्यू बी डिवाइड बाई टॉइस पाई। फ्रीक्वेंसी के लिए यफ इस्तेमाल किया होगा, तो यफ इस्तेमाल करो बच्चों, आपके बुक्स में जैसे दिया है, ठीक है। और ये साइक्लोट्रॉन की है बच्चों। किसकी? साइक्लोट्रॉन की। अच्छी बात है इस पर। और एक बात है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं अभी। यहां पे आप लोगों ने पॉजिटिव निगेटिव करके तिवे एक एसी लगाया था, याद है? यहां पे ये जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज किया था, मेरे ख्याल से 10,000 किया था वोल्टेज, याद है? और इसकी फ्रीक्वेंसी रखी थी बच्चों, जो अप्लाइड वोल्टेज की, वो रखी थी हमने 10 मेगाहर्ट्ज, याद है बच्चों? तो ये होगी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी वही होती है बच्चों। क्यों? देखो ये जो है ना, ये गोल क्यों घूम रहा है बच्चों, ये चेंज हो रहे, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको एक बार ऑक्सीलेट करना पड़ रहा है, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए एक बार ऑक्सीलेट करना पड़ रहा है। मतलब बच्चों आपकी जो साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है और अप्लाइड जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है बच्चों। बच्चों साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो चार्ज सर्कुलेट कर रहा है, जूम, एक बार, दो बार, तीन बार, तो बच्चों ये भी ऑक्सीलेट कर रहा है ना, ये ऑक्सीलेशन हो रहा है, इसीलिए तो इसका सर्कल कंप्लीट हो रहा है, नहीं तो सर्कल कंप्लीट नहीं होता था बच्चों। सर्कल क्यों कंप्लीट हो रहा है? ये चार्ज को यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तुरंत ये चेंज करेगा, तुरंत बच्चों यहां पे माइनस आ गया तो ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? ये चेंज होने के कारण ये जो है बच्चों, देखो पहली कंडीशन, ये जो चार्ज था यहां से यहां चार्ज गया बच्चों, क्यों गया ये चार्ज, ये चार्ज क्यों गया यहां से यहां? क्योंकि बच्चों इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन होगा और ये रिपेल कर रहा है। जैसे ये चार्ज वापस यहां पे आएगा तब यहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, तब यहां निगेटिव आना चाहिए, मतलब ये ऑक्सीलेशन होना बहुत जरूरी है इस अप्लाइड वोल्टेज की, ये एसी चेंज होना चाहिए। तुरंत यहां आने के बाद देखो ये निगेटिव दिख रहा है, ये बोला चल जल्दी से, क्योंकि ये अट्रैक्ट करने वाला है, ये रिपेल करने वाला है। तुरंत जब यहां पे आएगा ना बच्चों, यहां तुरंत यहां पे निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव करना चाहिए, क्योंकि तब भी ये सर्कल ऐसे कंप्लीट हो गए। तो बच्चों इसलिए जो साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है और अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सेम होती है बच्चों, इसको रेजोनेंस भी नाम देते हैं, ऐसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऐसे भी बोलते हैं। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मेरे ख्याल से इसका पता लगा है। और इसके अंदर आप लोग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होल्ट में इस्तेमाल करते वो करते हो, थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट आपके लिए स्पीड निकाल सकते हैं उससे कितने एनर्जी से, मतलब पीरियड कितना लग रहा है, टॉइस पाई एम बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों इसके, क्यू बाई बाई टॉइस एम। किसकी है? साइक्लोट्रॉन की। वही अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दिया है तो इसका मतलब यही है बच्चों। हम लोग ने क्या अभी जो आयान से ये एक्सपीरियंस जो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डी, है ना, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, जो गोल गोल घूम रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है, हम लोग निकालेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों ये इक्वेशन मिला है मुझे, सबको पता है, मुझे क्या, सबको पता है सर। चलो वी वी मर गया बच्चों, मुझे वी निकालना है, तो क्या होगा, क्यू बी आर बाई एम। नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, यहां पे बचा था मेरे पास क्यू बी एम वी बाय आर, मुझे वी निकालना है, तो ये आर मल्टीप्लाई ये एम डिवाइडेड है, अच्छी बात है। और ये कौन सी वेलोसिटी बच्चों, एग्जिस्ट जब हो रहा है, एग्जिस्ट मतलब ये जब साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल ये बाहर आ से एग्जिस्ट हो रहा है, ये रेडियस है, ये जो रेडियस दिए बच्चों आपको, तो वो दिवाली है आप लोगों को एग्जिस्ट होने वाला रेडियस, मतलब सबसे बड़ा रेडियस, सबसे ये रेडियस नहीं बच्चों, सबसे ज्यादा स्पीड कहां होती, यहां स्पीड कम है, बढ़ रही 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 है बच्चों, इसके
बाजू वाली जो सर्कल होगा इसका सबसे ज्यादा स्पीड से ये बाहर निकलेगा। तो बच्चों वो रेडियस कौन सा है, छोटे वाला क्या है, दो नंबर वाला नहीं, तीन नंबर नहीं, चार नंबर नहीं, जो लास्ट जो डी डी से बच्चों ये डी डी इसका नाम भूल गया था बोलना सर डी है ना, उसको लगा के होगी वो है रेडियस। चलो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सब बच्चों को फार्मूला पता है हाफ एम यू स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर है ना एग्जिट डिवाइडेड बाय ये एम स्क्वायर, एम से एम मर गया बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी जो मुझे मैक्सिमम मिल रही है, मैक्सिमम क्यों बच्चों, रेडियस सबसे लास्ट का लिया है मैंने, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एग्जिट डिवाइडेड बाय टू और ये एम बचा है बच्चों, तो ये मुझे काइनेटिक एनर्जी मिली है। ठीक है, ये मुझे काइनेटिक एनर्जी मिली है, मतलब फाइनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस के फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी बच्चों। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये जो आप लोगों को साइक्लोट्रॉन को कैसे एनर्जी, मैंने बोला था आपको स्पीड बढ़ाना है, बढ़ा रहे ये स्पीड ही है बच्चों, हाई स्पीड दो दे सकते हैं, उसके बाद में हाई काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा हूँ उसको और बाहर निकल रहा हूँ बच्चों, हाई एनर्जी से बाहर आ रहा है चार्ज पार्टिकल। फिर इसके यूजेस मैंने आपको ऑलरेडी मेडिकल में बताया है, न्यूक्लियर रिएक्शन में बताया बच्चों। इसके अलावा बच्चों इसमें हम लोगों के पास इसके कुछ लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे हम लोग कौन कौन से लिमिटेशन लिख सकते हैं क्या देखो, सबसे पहले लिमिट होगा बच्चों न्यूट्रल पार्टिकल को हम लोग चार्ज मतलब एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते मुझे बताओ बच्चों, पहला ही पॉइंट है, पहला पॉइंट मैं लिखूंगा यहाँ पे कि न्यूट्रल पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बच्चों ये चार्ज पार्टिकल आ गया, यहाँ पे तो पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव लगाया था याद होगा, अगर इस पे न्यूट्रल रहा तो ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा, तो इसलिए बच्चों पहला ही ड्रॉबैक है कि न्यूट्रल पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, बात समझ में आ रही बच्चों, कैन नॉट एक्सेलरेट ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, कैन नॉट एक्सेलरेट है ना न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, ये सबसे बड़ी चीज है बच्चों। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल जैसे कि हम लोग बता सकते हैं इसका नाम भी है हमारे पास लाइक न्यूट्रॉन है मेरे ख्याल से। ठीक है, दूसरी बात बच्चों ये जो चार्ज पार्टिकल है ये वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है ना, वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल है ना कैन नॉट एक्सेलरेट, क्यों नहीं कर सकता, लाइक किसका एग्जांपल दो बच्चों, मैं इलेक्ट्रॉन का दे दूं, देखो इलेक्ट्रॉन्स का मुझे बताओ बच्चों, अगर यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन रख दूं तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, पता है ना आप लोगों को, अरे जो वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल है ये एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन है बच्चों मेरे पास, मेरे ख्याल से ये जो मास है बहुत छोटा है, अच्छी बात है सर, तो एफ इज इक्वल टू मैं क्यू ई निकाल लूं और ये होगा बच्चों यह न्यूटन का एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब बच्चों एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम, ओए मतलब बच्चों मास छोटा तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब बच्चों अगर मैं थोड़ा सोचूं यहां पे कि अगर इसका मास बहुत छोटा तो एक्सेलरेशन बहुत छोटा तो वी भी ज्यादा, आप बोलेंगे सर मुझे तो वही तो चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए, नहीं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर मोइंग मास होता है रेस्ट मास डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, अच्छी बात है, तो इसका मास चेंज होगा, हाँ हो रहा है, अब देखो बच्चों v इसकी बढ़ रही है, मतलब ये तो स्पीड तो सबको पता है ना, लाइट की स्पीड होती है बच्चों 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, अगर ये स्पीड इससे ज्यादा बढ़ गई तो, लाइट की स्पीड से ज्यादा बढ़ गई तो, बच्चों ये मूविंग मास है ये रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास है ये मूव होता है तब का मास है, ठीक है ना, तो बच्चों मैं कैलकुलेशन पे अटक रहा हूं, समझो करीब करीब ये 10⁸ है, यहां पे समझो 10⁹ हो गया और यहाँ पे 10⁸ करीब मान रहा हो बच्चा हम लोग है ना, तो m इज इक्वल टू m नॉट
ये हो रहे बच्चों 1 में से 10 माइनस, ऐसे कुछ हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है भाई, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है ना, तो एक्चुअल मास से कुछ मास कम हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, फिर तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन। इसलिए बच्चों वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते, उसका मास भी यहाँ पे अलग हो रहा है, क्या हो रहा है आपको पता लग रहा है इस कैलकुलेशन के बेसिस पे। तो ये काम नहीं कर सकते बच्चों, चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल से हम लोग ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी बात क्या है बच्चों, ड्रॉबैक है वेरी हाई स्पीड नहीं दे सकते बहुत ज्यादा, हाँ दे सकते एक लिमिट तक, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड नहीं दे सकते, कैन नॉट वेरी हाई स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है बात समझ में आ रही। न्यूट्रल पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते, वेरी स्मॉल ऐसे छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल है उनको हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात जो है बच्चों, वेरी हाई स्पीड दे नहीं सकते, ये जो मेन काम है बच्चों, ये मेन तीन ड्रॉबैक है साइक्लोट्रॉन में। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ पे ये जो चैप्टर्स का जो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट है बच्चों, इसको एक्सेलरेशन कर रहे हैं हम लोग, हाई स्पीड दे रहे हैं, हाई एक्सेलरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग बच्चों इसको है ना यहाँ पे आज के लेक्चर्स में इसको कवर करने की कोशिश कर रहा था मैं, इसके बाद में हम लोग हेलिकल मोशन कैसे होता है उसके बाद में बात करेंगे बच्चों। मतलब थर्ड जो पार्ट, इसका मतलब है बच्चों लिमिटेशन ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है ना उसको स्पीड के लिमिट के बाहर नहीं लेके जा सकते। मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी जो स्पीड है समझो, एक कंसीडर कर रहे हैं हम लोग 10 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतनी है हम लोग है ना बच्चों, इस स्पीड को है ना आप लोग बोलेंगे सर इसको हम लोग ने क्या गीगा मीटर पर सेकंड, गीगा समझते हो ना, मतलब 10^9, मतलब एक के ऊपर 90 देना, ये स्पीड अचीव नहीं कर सकते बच्चों। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी स्पीड अचीव कर सकते हैं, हाई स्पीड मतलब क्या इतनी स्पीड नहीं, एक लिमिट होगी हर चीज की। तो इस पार्टिकल को ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस स्पीड तक लेके जा सकते हैं, ये स्पीड को अचीव करना हमारी बस की बात नहीं होगी बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, नंबर वन है बच्चों न्यूट्रल पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल को भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके मास के ऊपर डिफेक्ट, मतलब इफेक्ट होके बहुत सारी चीजें हो सकती है। और तीसरी चीज है स्पीड को हाई नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। तो बच्चों ये था साइक्लोट्रॉन, इसके ऊपर बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में हेलिकल जो मोशन है बच्चों क्यों होता है क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक सबको मेरे तरफ से पढ़ाई के लिए बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।